हम सब सिविल सर्विस के लोग हैं। 25 साल पुराना मामला लटका पड़ा है, 30 साल पुराना मामला लटका पड़ा है। लीडरशिप के निर्णय के अभाव में नहीं, डिपार्टमेंट की दो डिपार्टमेंट के बीच की फाइलों के बीच में लटका पड़ा है, क्या कारण है? और वही मुद्दा जब भारत का प्रधानमंत्री प्रगति कार्यक्रम करें और ऐसे ही प्रगति कार्यक्रम में लिस्टिंग हो जाए कि इतनी चीजों पर प्रगति कार्यक्रम में देखने वाले हैं और फटाफट 24 घंटे में निर्णय हो जाए, सारे क्लियरेंस मिल जाए और प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, 8-9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट क्लियर हो गए, क्या कारण था? प्रगति की सक्सेस से तो मैं जय जयकार कर सकता हूं कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लटके पड़े कई समस्याओं का समाधान कर रहा है, मेरे लिए वो संतोष का विषय नहीं है, मेरे लिए उसमें से सीख का विषय है। और सीख ये है कि मेरे सभी साथी ये सोचे, क्या कारण है कि जो निर्णय आपने 24 घंटे में किया वो 15 साल से क्यों लटका पड़ा था, क्या कारण था? रोड बन रहा है, लोगों को जरूरत है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अटके पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंटरवीन का क्लियर हो गया। यह स्थिति अच्छी नहीं है। प्रगति की सक्सेस के लिए मोदी का जय जयकार हो जाए उससे देश का भला नहीं होगा, वो एक टेम्पररी चीज है। देश का भला इसमें है कि मेरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हो, हर अफसर के बीच में एक लुब्रिकेटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, लुब्रिकेटिंग कोऑपरेशन होना चाहिए। घर्षण शक्ति को व्यय करता है जी, लुब्रिकेशन शक्ति को स्मूथ कर देता है जी। क्या हम उस दिशा में सोचते हैं क्या? अभी भी मैं समझ नहीं पाता हूं जी, सरकार के दो डिपार्टमेंट कोर्ट में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं। अदालत के अंदर दो डिपार्टमेंट, दो अलग अलग व्यू, सरकार एक। क्या हम एक ऑल इंडिया सिविल सर्विस के नाते हमारी कमजोरी स्वीकार करते हैं? क्या कोई दायित्व से घबरा रहा है, दायित्व से भाग रहा है, या कहीं ईगो बीच में आ रहा है? मैं चाहूंगा सिविल सर्विस डे पर यह हमारा आत्मचिंतन का अवसर भी होना चाहिए। देश की अदालतों का कितना टाइम जा रहा है, देश के सामान्य मानवी को जो जरूरत है उसमें कितनी रुकावटें आ रही है, और केस हार जीत का कारण क्या बनता है? एक अफसर ने पूरा सोचे बिना एक लाइन अगर फाइल में लिख दी और कोई इंटरेस्टेड ग्रुप ने उस फाइल को हाथ लगा लिया, मामला चौपट हो जाता है। मिल बैठ करके बात कर करके, और यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई निर्णय जल्दी करता है तो कोई बुरे का इरादे से करता है, ऐसे आरोप लगाने वालों ने अभी तक कोई आरोप पुरवार नहीं हुए हैं जी। और इसलिए मन में यह झिझक रखने की जरूरत, अगर सत्य निष्ठा से ईमानदारी से जन सामान्य के हित में किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा नहीं ठहरा सकती है। पल भर के लिए कुछ हो जाए देखा जाएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सत्य निष्ठा से काम होना चाहिए, कौन रोकता है जी? और आज एक अवसर आया है हिम्मत से फैसले लेने का, आज एक अवसर आया है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, आज एक अवसर आया है कि निर्धारित मार्ग से भी नया मार्ग पर कदम रख करके स्थितियों को बदलने का अवसर आया है। और मैं मानता हूं मेरे साथ काम करने वाले हर साथियों को ऐसा अवसर उनकी जिंदगी में बहुत कम आया होगा जो आज आया है, क्योंकि मैं इस सोच का व्यक्ति हूं। यहां पर रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की बात हुई, राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्भर करती है रिफॉर्म के लिए, लेकिन आपकी कर्तृत्व शक्ति निर्भर करती है परफॉर्म के लिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति रिफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर यह टीम की कर्तृत्व शक्ति कम पड़ जाएगी तो परफॉर्म नहीं होता है, और जन भागीदार नहीं होती तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो ये तीनों चीजें, पॉलिटिकल विल पावर ये रिफॉर्म कर सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस ये परफॉर्म करता है, और जन भागीदारी ट्रांसफॉर्म करती है। हमें इन तीनों को एक वेवलेंथ में चलाना बहुत जरूरी है। जब हम तीनों को एक वेवलेंथ में चलाते हैं तो हमें इच्छित परिणाम मिलता है।